तीनों प्रतिज्ञा करी जा, धरती फटे चाहे आसमान, अब तू ना बचे मलखान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिज्ञा टू भोजपुरी मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रतिज्ञा टू ये एक एक्शन रोमांस क्राइम ड्रामा से भरपूर फिल्म थी, जिसे रिलीज किया गया था 7 फरवरी 2014 को। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे पावर स्टार पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, अनिल सम्राट, काजल राघवानी, स्मृति सिन्हा, अक्षरा सिंह, कुणाल सिंह, सुशील सिंह, प्रकाश जैस और माया यादव जैसे बेहतरीन कलाकार। फिल्म को डायरेक्ट किया था सुशील कुमार उपाध्याय ने, प्रोड्यूस किया था अभिषेक तिवारी, हर्ष तिवारी और संजय यादव ने। फिल्म में म्यूजिक दिया था विनय बिहारी जी ने। इस फिल्म में कुल 9 गाने रखे गए थे। फिल्म के ज्यादातर गानों में अपनी आवाज दिया था पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, कल्पना, इंदु सोनाली, मोहन राठौर जैसे सिंगरों ने। फिल्म के गाने सुपरहिट साबित हुए। बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 2,09,00,000 रखा गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11,23,00,000 की कमाई किया था। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2014 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म की कुल लंबाई 2 घंटा 54 मिनट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, प्रतिज्ञा टू ये फिल्म साल 2014 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की रेस में नंबर 2 पर थी। बात करें उस साल की टॉप फिल्मों के बारे में, तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर जगह बनाया था जुबली स्टार निरहुआ की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी ने। नंबर 2 पर थी पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की प्रतिज्ञा 2 और नंबर 3 पर थी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की जाने मन। फैक्ट नंबर 2, प्रतिज्ञा 2 ये फिल्म साल 2008 की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रतिज्ञा की सीक्वल थी और इस फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह के साथ जुबली स्टार निरहुआ भी लीड रोल में नजर आए थे। और इस फिल्म की अपार सफलता को देखते हुए साल 2013 में इस फिल्म के सीक्वल यानी प्रतिज्ञा 2 का अनाउंसमेंट किया गया था। और इस फिल्म को उस समय काफी बड़े लेवल पर बनाया गया था और ये फिल्म उस समय तक की भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी बजट की फिल्म में से एक थी। फैक्ट नंबर 3, प्रतिज्ञा 2 ये फिल्म साल 2014 में सबसे ज्यादा थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म थी। इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया और नेपाल मिलाकर लगभग 235 थिएटर के साथ रिलीज किया गया था, जो कि काफी बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 4, ये फिल्म डायरेक्टर सुशील कुमार उपाध्याय के साथ पावर स्टार पवन सिंह की एक साथ दूसरी फिल्म थी। इससे पहले सुशील कुमार उपाध्याय पावर स्टार पवन सिंह को लेकर प्रतिज्ञा जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्ट कर चुके थे। इसके अलावा ये फिल्म सुशील कुमार उपाध्याय की ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ डायरेक्ट की गई पहली फिल्म थी। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह के अपोजिट काजल राघवानी नजर आई थी और काजल राघवानी और पावर स्टार पवन सिंह की प्रतिज्ञा 2 एज ए लीड एक्टर और एक्ट्रेस के रूप में पहली फिल्म थी। इसके अलावा इस फिल्म में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के अपोजिट स्मृति सिन्हा नजर आई थी। हालांकि इससे पहले स्मृति सिन्हा और खेसारी लाल यादव ने साजन चले ससुराल, देवरा पे मनवा डोले जैसी कुछ सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। उस समय तक खेसारी लाल यादव और स्मृति सिन्हा की जोड़ी भोजपुरी की टॉप एक्टर और एक्ट्रेस की जोड़ी में गिनी जाती थी। इसके अलावा इस फिल्म में जो तीसरे हीरो थे अनिल सम्राट, उनके अपोजिट अक्षरा सिंह नजर आई थी और अक्षरा सिंह और अनिल सम्राट की प्रतिज्ञा 2 पहली और अब तक की आखिरी फिल्म है जिसमें इन्होंने एक साथ काम किया है। फैक्ट नंबर 6, प्रतिज्ञा 2 ये भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें हमें भोजपुरी के दो दिग्गज सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे। और इस फिल्म के बाद हमें पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की जोड़ी अभी तक किसी भी फिल्म में देखने को नहीं मिली है। प्रतिज्ञा 2 पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की अब तक की पहली और आखिरी फिल्म है जिसमें इन्होंने एक साथ काम किया है। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म में काम करने के लिए पावर स्टार पवन सिंह को उस समय लगभग 25,00,000 वहीं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को उस समय लगभग 20,00,000 की फीस दी गई। फैक्ट नंबर 8, प्रतिज्ञा 2 साल 2014 में रिलीज होने वाली ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की साल की पहली फिल्म थी और साल 2014 में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की कुल 10 फिल्में रिलीज हुई थी। प्रतिज्ञा 2, 16 सबनम, चरणों की सौगंध, तेरे नाम, जाने मन, खून भरी मांग, जो जीता वही सिकंदर, लहू पुकारेला, हथकरी और बेताब जैसी फिल्में शामिल है। फैक्ट नंबर 9, पावर स्टार पवन
सिंह की साल 2014 में कुल 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनके नाम है करेला कमाल, धरती के लाल, सैयाजी, दिलवा मांगे ले, योद्धा, प्रतिज्ञा तू, बाजीगर, प्यार मोहब्बत, जिंदाबाद, जान लेबू का और थोक देव जैसी फिल्में शामिल है। और पावर स्टार पवन सिंह और रनिंग स्टार खेसारी लाल यादव की 2014 की सबसे बड़ी हिट फिल्म प्रतिज्ञा तू थी। फैक्ट नंबर 10, प्रतिज्ञा तू की अपार सफलता को देखते हुए साल 2020 में इस फिल्म के तीसरे पार्ट यानी प्रतिज्ञा 3 को बनाने का प्लान बनाया गया था, जो कि भोजपुरी की सबसे महंगी बजट की फिल्म होने वाली थी। इस फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह, रनिंग स्टार खेसारी लाल यादव और जुबली स्टार निरहुआ भोजपुरी के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार नजर आने वाले थे। हालांकि ये फिल्म किसी कारणवश अभी तक बन नहीं पाई है और ये फिल्म अब कब बनेगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वैसे आपको क्या लगता है, प्रतिज्ञा 3 बननी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।